एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज है, क्या बोलूँ, कणचौथ। हम तो कणचौथ बोलते हैं ऐसे, जैसे करवा चौथ वाला फास्ट होता है वैसे ही होता है। तो आज मम्मा और दादी को, दोनों को फास्ट है, तो मैं आपको आज दिखाऊंगी क्या क्या होता है, कैसे क्या करते हैं। तो चलो मेरे साथ, पहले तो मैं खाना वगैरह बनाऊंगी, उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो मैं किचन में पहुंच गई हूँ, पहले मैं खाना वगैरह बनाऊंगी, उसके बाद मम्मी और तैयार होंगे तो मैं आपको उनको भी दिखाऊंगी। तो पहले तो, हाँ, 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ पे क्या होता है, वो मिसाल वगैरह जलाते हैं बाहर। मैंने थोड़ी जैसे बनाई हुई, वो क्लिप इसमें ऐड करूँगी आगे। तो तब उमस्या वाली रात होती है, जब उमस्या होती है, हम तो उमास बोलते हैं वो वाला, तब हम डालते हैं वो मसाले जैसे। और उसके बाद 3 दिन बाद आती है ये, 3 दिन बाद आता है ये वाला फार। और ये रही मसाले, हम रात को मतलब ये जलाते हैं, जो पितर देवता होते हैं उनके लिए, मतलब बोला जाता है कि उनके नाम के लिए ये सब कुछ करते हैं रात को, जब अमावस्या वाली रात होती है। उसके 3 दिन बाद फिर ये वाला फास्ट आता है कि जो गौरा माता थी उन्होंने रखा था उनके लिए। तो देखो ये है, अभी हम जला रहे हैं सब बाहर, ठंड वगैरह बहुत है क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई है, आज तो दिन भर मौसम अच्छा। और ये रहा पूरा गाँव, देखो लग रहा है जैसे दिवाली है, दिवाली की तरह ही लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। गाइज, अभी हमारा डिनर वगैरह हो गया है, तो कल है फास्ट। तो जैसे आपने पहले देखा कि हमने मसाले वगैरह जलाई थी, जो मस्या वाली रात को जलाते हैं, उसके 3 दिन बाद आता है ये वाला फास्ट, जिसे गौरी तृतीया वाले दिन आता है। और जैसे गौरी तृतीया ख़त्म होती है वैसे ही गणेश चतुर्थी लगती है। मैंने दादू से पूछा था, उनसे कन्फर्म किया था कि कैसे क्या होता है। तो ये वाला फास्ट मतलब हमारी धर्मान्यता है, माना जाता है कि जो गौरव माता थी उन्होंने शिव जी भगवान के लिए रखा था ये वाला फास्ट, तो तब से इधर ही रखते हैं। जैसे मतलब कुछ कुछ जगहों पर रखते हैं, मैंने बाकी जगह नहीं सुना है ये, जैसे डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ वाली साइड हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन बटोर तक ही मनाया जाता है, आगे कहीं नहीं मनाते हैं। और जो लोग अब यहाँ से जैसे जम्मू रहते हैं या कहीं और, वो भी वहाँ पर रखते हैं। तो कल है फास्ट, शाम को अभी हम कुछ बनाएंगे, क्योंकि जब दूसरे दिन सुबह फास्ट होता है तो शाम को हम कुछ ना कुछ बनाते हैं, खाते हैं। हम तो नहीं, लेकिन जिनको फास्ट होता है वो तो हम भी शामिल हो जाते हैं। तो पहले बनाएंगे कुछ, बनाते हैं कुछ, सोचते हैं। तो उसके बाद सुबह आपको दिखाऊंगी जो भी कुछ होगा। तो चलो बने रहिए हमारे साथ, जाएंगे अभी किचन में, तो मिलते हैं उधर। तो गाइस, खाना वगैरह अब हो गया है, अब लगाएंगे मम्मी और उनको मेहंदी। उतनी अच्छी तो नहीं लगानी आती, लेकिन टाइम पास, अब मम्मी का हाथ बिगाड़ूंगी। तो सुबह भी हमने जल्दी उठना है क्योंकि सुबह बहुत सारा काम है, साफ़ सफाई करनी है, फिर मम्मी और उनको फास्ट होगा तो खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ। तो देखो आप भी मेरे कारण मैं कितनी अच्छी मेहंदी लगाती हूँ। तो आप मेहंदी लगा के फिर हम सो ही जाएंगे, तो मिलते हैं आपके साथ अब सुबह। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो चुकी है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू, बाहर कैसा मौसम है, तो फिर मिलती हूँ बाद में आपके साथ। सारे काम वगैरह हो गए हैं और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। अब शाम के लिए खाना बनाएंगे क्योंकि आज जल्दी फास्ट तोड़ना है मम्मी और उनको, और बाहर भी मौसम बहुत ख़राब है, फिर उन्हें लेट हो जाएगा। तो दिन भर काम में बिजी रहे तो टाइम ही नहीं मिला। तो अब आके मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या होता है। और वो रहे मेरे दादी, ये है मेरी दादी, दे दो किस जोनू। नहीं, कोई समझ जो नहीं। तो चलो मैं खाना बनाती हूँ, तो आपको भी दिखाती हूँ। प्याज डालेंगे, लहसुन है, हरी मिर्च, टमाटर, और ये नमक और क्या है, दाल वगैरह। तो आपको मिलते हैं बाद में, हम याद नहीं है, तो आपके साथ मिलते हैं। ठीक है, बढ़िया, हमारे साथ आप हमें खाना याद कर दीजिए, बनाई जाती है। बाहर का मौसम हमेशा बर्फ़ पड़ती है, जब भी ये वाला फास्ट होता है, और जब लोहड़ी होती है तब भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है हमारे यहाँ तो। और आज भी देखो कितनी कितनी बर्फ़ पड़ रही है, मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया है। अभी मम्मी और दादी ने ऊपर जाना है,
गवाड़ी में, उधर जो पापा के कजिन्स वगैरह मतलब दादू के भाई वगैरह उनके घर पे जाते हैं आज, तो मैं आपको दिखाऊंगी वो भी। ये देखो कितनी कितनी बर्फ़ पड़ रही है बाहर, बिल्कुल मौसम ख़राब है, बहुत ठंड है। आप ये देख सकते हो आप कितनी बर्फ़ पड़ रही है बाहर, बिल्कुल ठंड 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 है। तो वो मैं दिखाती हूँ आपको, पहले मम्मी और उनको, वो तो तैयार हो गए, मैंने खाना वगैरह बना लिया है, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, वो तो बैठे होंगे अभी, तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको क्या कर रही है। मैं अभी बता ही रही थी कि मम्मी और तैयार होंगे, मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये तो तैयार हो गई, मैं दिखाती हूँ। मेरी मम्मा ये तो तैयार हो गई, मैंने सोचा था मैं आपको दिखाऊंगी तैयार होते हुए, लेकिन ये तैयार हो गई, मैं खाना बना रही थी और इन्होंने पीछे से ये तैयार हो गए। तो रुको मैं आप फोटो वगैरह उठाऊंगी इनके, बाद में जब ये फास्ट तोड़ेंगे तब मैं आपके साथ मिलती हूँ। तैयार पापा मम्मी और मैं, अभी मैं उठाऊंगी बाहर फोटो, तो बने रहे आप भी हमारे साथ और मैं दिखाती हूँ आपको। रुको मैं पहले कैब ढूंढ रही हूँ। अच्छा मार है, ठीक है ठीक है, चलो बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब है, आपको मैं दिखाती हूँ बाहर। देखो बाहर का मौसम, गाइस फास्ट वगैरह तोड़ दिया है और देखो बार बार रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अब सब जैसे नेक्स्ट डे, जैसे कल, अब सब एक दूसरे के घर पे जाते हैं मिठाई वगैरह। तो गाइज ये है देखो सुबह का मौसम, अभी रात भर बर्फ पड़ रही थी और दो दो फीट तो हो ही गई है, सब मिला जुलो के 3 फीट, कल की भी और आज की भी रात को मैं पड़ रही थी। और ये मैं अभी यहाँ से साफ़ करूँगी, आपको मैं दिखाती हूँ। देखो जो यहाँ पे है इसके ऊपर दिख रहा है टोटल इतनी इतनी पड़ी है, पहले मैं ये सब साफ़ करूँगी बाहर से इसके साथ, तो फिर मिलती हूँ आपके साथ बाद में। स्नोफॉल रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, 2-3 दिन से कंटिन्यू स्नोफॉल हो ही रही है। तो मेरे फ़ोन में बैटरी तो थी नहीं उतनी, लेकिन मैंने सोचा कि पूरा व्लॉग शूट करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये बस अभी भाभी और आंटी वगैरह आ रहे थे, क्योंकि जितनी बार पड़ी आना ही पड़ता है, तो बाकी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मैं और मेरा मैं भी यहाँ शॉप पे आई थी और सभी, आज क्या बोलूँ मैं आपको, बस रशी रशे, कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये तो औरतों का ही फेस्टिवल होता है, क्योंकि सिर्फ औरतें ही फा सकती हैं जो शादीशुदा होती हैं। तो पहले तो मैं अपना काम कर लेती हूँ, आपको बाद में दिखाती हूँ आगे क्या होता है। तो गाइज ये हैं बीच वाले मेरी दीदी, इनकी मई में शादी हुई थी, इनका पहला वाला फास्ट है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी ज़रूर ये शेयर करूँगी। मैंने दी को बोला था कि मैं ज़रूर व्लॉग में एडिट करके इसको डालूँगी। तो दी के एक साइड है दी की जेठानी और दूसरी साइड है दी की सासू माँ। तो बाकी आपको मैं क्या बोलूँ, बस यही था, यही होता है हमारे इधर फास्ट में, जो भी 2-3 दिन का था मैंने वो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा एडिट करके इसमें डाल दिया है। होप सो आपको अच्छा लगेगा और अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखें। तो बस फास्ट तोड़ने के बाद थोड़ा सा खाना और फल फ्रूट रखा जाता है, जो लास्ट पे जब मतलब ये सारा फंक्शन वगैरह जो भी कुछ होता है ये सब ख़त्म होने के बाद इसको हमारे मतलब चश्मे के पास लेते हैं और वहाँ पे छोटे बच्चे इसको खाते हैं, और बस यही होता है, और ऐसे ही मतलब हमारी जो कमजोर होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो बस यही था आज का। तो फाइनली दिन भर का जो भी कुछ था 2-3 दिनों से वो अच्छी तरह से हो गया फंक्शन सारा। तो अभी शाम के टाइम हम थोड़ा आगे जा रहे थे, तो ये है अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं, और है यहाँ का प्यारा प्यारा व्यू हमारा गांव, और हम तीन में श्रवण और प्रीति।
तो व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत जल्द कोशिश करेंगे बनाने की। तो तब तक के लिए बाय।